सूरत पुलिस के साथ शहर की सेवाभावी संस्था सिंधी हेल्पी हैंड ने गुड टच और बैड टच को लेकर एक नई पहल की शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम रांदेर के रामनगर सिंधी समाज भवन में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिला डीसीपी पन्ना मोमिया भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाएं, युवती एवं बालकों को स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, घर एवं सामाजिक जगहों पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से हैरान और परेशान करने की घटना को देखते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने एवं जागरूक करने के लिए सिंधी हेल्पिंग हैंड और चाइल्ड लाइन टीम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कर जागृत किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं, युवती और बच्चे उपस्थित रहे। उसके लेवल की हम टीचिंग देंगे आज, गुड टच बैड टच, कि कोई आदमी आपसे आगे क्या बात करेगा, आगे बोलेगा कि आइसक्रीम खिलाता हूँ, चॉकलेट खिलाता हूँ, तो उसके साथ जाना कि नहीं जाना है, अनजान व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कोई पूछेगा कि तेरे मम्मी पापा का नंबर क्या है, तू कहाँ रहता है, तो वो सब उसको आना चाहिए, लेकिन कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है उसको हम आज समझ देंगे। कोई उसको कहीं पे गलत तरीके से टच कर रहा है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा, बेटा है बेटी जो भी है पता चल जाएगा, तो उसको ख्याल आएगा कि मेरे को यहाँ इसके साथ ज्यादा आगे नहीं जाना है, इसके साथ ज्यादा बात नहीं करनी है, तुरंत भाग के घर पे आ जाना है। अगर ऐसा कहीं पे हुआ है उसके साथ तो घर पे आके तुरंत पेरेंट्स को बताना है उसको कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ये सब क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तो ये अगर हम ट्रेनिंग उसको देंगे तो एक जो हादसा होने जा रहा है उससे हम बच सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस हमारी जिम्मेदारी हम कम कर रहे हैं, पर ये एक समाज को साथ में लेकर चलने की बात है। अगर ऐसा कुछ होगा और कोई बच्चा आके बोलता है तो तुरंत ऐसा जो भी आदमी है समाज में वो पकड़ा जाएगा, आप तुरंत हमारे पास आइए, और आपको ऐसा लगेगा कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, बेटी है बेटी का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा पूरी सीक्रेसी के साथ होगा, किसी का नाम बाहर नहीं आएगा, किसी के साथ क्या हुआ वो भी पता नहीं चलेगा, और मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी किसी का नाम नहीं आता, आप पढ़ते होंगे नाम बदल से, पढ़ते हो ना सारे पेपर में नाम बदल के वो लोग देते हैं जो भी न्यूज देते हैं, और छोटे बच्चे की तो न्यूज आती नहीं है, कभी कभी नहीं आती छोटे बच्चे की न्यूज, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, मीडिया में भी नहीं आता है। तो ये आप सबको पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि आपको इतना अवेयर होना है, और फिर जब ऐसा कोई किस्सा बनता है तो तुरंत आपको पुलिस का अप्रोच करना है, FIR करवानी है, तो ही हम समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ऐसे लोग पकड़े नहीं जाएंगे समाज में, हम ऐसे लोगों को नहीं सजा दिला पाएंगे तो फिर समाज की सुरक्षा का क्या, आज छोटे बच्चे के साथ हुआ कल बड़ी बेटी के साथ होगा, तो ये ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। और आज जब ये पूरा सिंधी समाज, रामनगर का सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर ये प्रोग्राम आपने रखा है, और मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को